भोजपुर जिले के बीटा गांव में मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। गोली लगने से आधा दर्जन बच्चे सहित बुजुर्ग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जिनमें दो व्यक्तियों की स्थिति चिंताजनक बनी है। मिली जानकारी के अनुसार इमादपुर थाना क्षेत्र के बीटा गांव में मकान निर्माण के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से असलहे निकल गए। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्तियों का आनंद फानन में इलाज के लिए तरारी पीएससी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार विष्णु सिंह अपने मकान निर्माण कर रहे थे, तभी गांव के नामजदों ने आकर मकान निर्माण का विरोध किया, फिर हल्ला हंगामा करने लगे। हल्ला हंगामा देख परिवार के सभी बच्चे तथा बुजुर्ग घटनास्थल पर जुट गए। तभी अचानक फायरिंग हो गई, जिनमें करीबन आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना इमादपुर थाना को जैसे ही लगी, त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए तथा दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच में जुट चुकी है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।